हेलो फ्रेंड्स, आइए आज सिंटैक्स का जो है एक्सरसाइज नंबर एक देखते हैं। ये क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर से लिया गया है और आवाज से जो है आपको सिंटैक्स की पूरी वीडियोज एक क्रम वाइज आपको मिलेंगे। इसके पहले मैं सिंटैक्स को पढ़ा भी चुका हूँ, नाउन की, प्रोनाउन की, सभी पूरे सिंटैक्स को जो है मैं एक्सीलेंट से कवर किया हूँ और मैं पूरा उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा जो कि एक्सीलेंट बुक से बनाया हूँ, तो आप उसको भी अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ के समझ लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट जो है इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इसमें मैं नियम भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा क्यों गलत है कैसे सही है। तो आपको एक्सरसाइज करने से ही आपको सारे सिंटैक्स जो है कवर हो जाएगा, तो पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो। और इस इंटर के अलावा ये कॉमन एरर में कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जिसमें इंग्लिश ज़रूर आता है तो उसमें जो है यूजफुल होगा कंपटिशनल एग्ज़ाम के लिए भी, तो इसलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सिंटैक्स का एक्सरसाइज नंबर एक हल करते हैं। ये आपका जो है आर्टिकल पर आधारित है, इसके पहले आपको आर्टिकल पढ़ा दिया गया है, अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर एक देखेंगे, फिर दो देखेंगे, फिर जितना है इसमें सब कुछ देखेंगे, 2A 2B 2C। तो पहला है द वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड। देखिए ये सभी एक्सरसाइज बोर्ड परीक्षा में पूछी गई हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं ये। एक्सरसाइज ये आप सही करा रहे हैं, जो इसमें कुछ रूल्स भी हम एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं ताकि आपको नियम आराम से याद भी हो जाएं, पढ़े हो तो भी, नहीं पढ़े हो तो भी, इसी तरह के वाक्य जब आए परीक्षा में तो आपको करने में कोई दिक्कत ना हो। दो तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है, एक तो दे देगा सही वाक्य, कह देगा इसको करेक्ट करो, मतलब गलत वाक्य दे देगा उसमें कुछ गलती रहेगी करेक्ट करने के लिए आएगा, या फिर कह देगा कि मतलब 3-4 पार्ट करके दे देगा ऐसे, तो कह देगा कि ABCD किस पार्ट में एरर है, मतलब गलती है उस पार्ट को आपको बताना पड़ेगा, या फिर कह देगा कि नो एरर भी दे देगा, एक ऑप्शन कह देगा कोई गलती नहीं तो नो एरर वाला बता दो। ठीक, तो इस तरह से आपको आ सकते हैं, तो आप कुल मिला के आप नियम जानते रहोगे, करेक्ट करना जानते रहोगे, सब कर ले जाओगे। और पिछले साल किस तरह से आए थे सिंटैक्स और जो भी पेपर में आया था, तो इस वर्ष 2023 में भी तो सब कुछ मैं वीडियो अपलोड कर दी हूँ हमारे चैनल पे, आप लोग देख भी सकते हो सभी ज़िले के पेपर को। चलिए देखते हैं, पहला है द वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड, इसमें क्या गलती है यही आपको बताना है। द हटा दीजिए क्योंकि वर्चू आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द नहीं लगता है, तो हम थोड़ा का कारण भी बताते जा रहे हैं ताकि आपको समझ में रटना ना पड़े। तो इसमें द नहीं लगे क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द नहीं लगता है। चलिए आगे देखते हैं, ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, इसमें क्या गलती है। ऑनेस्टी के पहले द लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि भाई देखिए ऑनेस्टी अब स्टैक नाउन है वैसे तो द नहीं लगता, लेकिन इसके बाद जब ऑफ लग गया तो हम बताए थे नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का जब स्ट्रक्चर रहेगा तो पहले नाउन के पहले द लग जाता है, क्योंकि ये विशेष अर्थ में हो गया, राम की ईमानदारी, सभी की ईमानदारी की बात नहीं की है, जैसे ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, इसमें जो भी ईमानदार होता है ईमानदारी का गुण सबके लिए बताया जा रहा है, तो वहाँ नहीं लगेगा, लेकिन राम की ऑनेस्टी स्पेशली बताया जा रहा है, विशेष अर्थ में बताया जा रहा है, तो द लग जाता है, और वैसे भी आप रहने पर द लग जाता है, ये भी नियम जानते हैं आप। ठीक, लेकिन स्पेशली ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का विशेष अर्थ में प्रयोग होने के नाते द लगता है, उस नियम से ये द लगेगा। क्लियर, चलिए देखते हैं आगे, द ताज, सॉरी, तो ताज इज ए यूनिक, अब यहाँ पहली गलती तो द ताज रहेगा क्योंकि ताजमहल से पहले द लगता है ऐतिहासिक इमारतों से। दूसरी गलती है कि यूनिक में पढ़ने से हिंदी का व्यंजन जब देखोगे या आ रहा है तो या के नाते एन नहीं लगेगा, ए लगेगा, एन काट दीजिए, ए सही हो जाएगा, बाकी सब सही है, समझ में आ रहा है ना, इसी तरह से आपको समझना है, रटना नहीं है। आयरन इज एन यूजफुल मेटल, इसमें क्या यूजफुल में यह आ रहा है, एन नहीं ए लगेगा। ठीक, इस तरह से आपको ग्रामर क्या होता है, ग्रामर में फंक्शन समझना महत्वपूर्ण होता है, कहाँ से क्या क्या होता है, बस रटने से ग्रामर कितने रूल रटेगा समझ लो इसका फंक्शन, रूल उसमें क्लियर हो जाएंगे, केवल रूल पढ़ के समझ लीजिए, फंक्शन जान लीजिए। अगला है डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी, तो क्या गलती है, मेक के साथ ए रहेगा क्योंकि ए फूल काउंटेबल नाउन है, मूर्ख, एक मूर्ख, दो मूर्ख, तो एक ए लग जाएगा, मेक ए फूल माने मूर्ख बनाना। अगला है ही इज एन यूरोपियन, एन नहीं रहेगा, ए यूरोपियन। ठीक, क्योंकि यूरोपियन में ई भले है स्वर लेकिन उच्चार लिखोगे तो या आ रहा है, या के नाते क्या
यार अलावा जो हिंदी का व्यंजन बताए थे ना, हिंदी के व्यंजन की जो साउंड है उसी के आधार पर अंग्रेजी को हम पढ़ते हैं, तो उसी हिसाब से का से लेके ज्ञा तक को हम व्यंजन कहेंगे, आ से आ तक की स्वर आएगा तो हम आयन लगाएंगे, इसमें या आ रहा है इसलिए आयन नहीं रहेगा, ये रहेगा। सातवां है द रिच शुड हेल्प पुअर, तो इसमें दोनों रिच के पहले दा लगा दीजिए, पुअर के पहले दा लगा दीजिए, क्यों? क्योंकि देखिए भाई रिच और पुअर एडजेक्टिव है, तो जब एडजेक्टिव का प्रयोग पूरे वर्ग के लिए होता है, ठीक है, कॉमन नाउन की तरह तब वो हो जाता है, इसलिए इसके पहले क्या होता है द लग जाता है। द रिच माने अमीर लोग, द पुअर माने गरीब लोग, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, इस तरह से इसका अर्थ किया जाएगा। नितिन इज आयन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी में भी यह आ रहा है इसलिए आयन नहीं रहेगा, ये रहेगा। नवा वाक्य है द रहेगा शुरू में, द सन, क्योंकि सूर्य से पहले द लगता है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी इसके पहले द लगता है, ठीक, तो द सन राइजेस इन, फिर ईस्ट से पहले भी द लगेगा, क्योंकि ये बताया गया था आपको दिशा के नाम से पहले प्रीपोजिशन रहने पर द लगता है, इन आपका प्रीपोजिशन है, एंड सेट्स इन, फिर बेस्ट दिशा का नाम है, इन प्रीपोजिशन है इसलिए वहाँ भी द लगेगा, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। दसवां वाक्य दिस इज आयन यूजफुल नहीं रहेगा, ए यूजफुल रहेगा, क्योंकि यूजफुल में भी यह आ रहा है। अगला है द लव इज इट्स ओन रिवार्ड, तो देखिए शुरुआत में था द वर्चू इज, तो लव है, वर्चू माने सदगुण अच्छे गुण, तो लव माने प्रेम, तो ये इसलिए यहाँ भी द नहीं लगेगा, क्योंकि ये भी स्ट्राइक नाउन ही है। अगला है आई डू नॉट पे, एक बात ये भी जान लेना कि लव इट्स इज इट्स ओन रिवार्ड, तो वर्चू इज इट्स ओन, उसी हिसाब से सही हो जाएगा। अब ऐसे भी अगर लिखा गया कि लव इन इट सेल्फ इज ए रिवार्ड, अगर ऐसा वाक्य मिले तब भी सही होता है, क्लियर, लेकिन द नहीं लगेगा, इतना ध्यान देना, मेन गलती है। अगला आई डू नॉट पे द हीड टू हिज नॉन सेंसियल टास्क, मैं उसकी बकवास भरी बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ, इसका अर्थ है पे हीड माने ध्यान देना, तो ध्यान देना ये कि पे के साथ द नहीं लगेगा, जैसे पे अटेंशन माने ध्यान देना तो द नहीं लगता है, तो उसी तरह से पे हीड माने ध्यान देना द नहीं लगेगा, क्लियर। अगला है इट इज ए वर्ल्ड वेयर रिच हेट पुअर, या एक ऐसा संसार है जहाँ अमीर लोग गरीब लोग की से क्या करते हैं, नफरत करते हैं, तो सीधी बात है रिच और पुअर के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। अगला है माय फ्रेंड इज इन ए ग्रेट ट्रबल, तो इसमें क्या, मेरा दोस्त जो है अत्यधिक कष्ट में है, तो अत्यधिक कष्ट में कहीं इन ग्रेट ट्रबल होगा, ए नहीं लगेगा, ठीक, ये फ्रेज है इन ग्रेट ट्रबल माने अत्यधिक कष्ट में, ठीक है। चौदहवां आपका हो जाएगा माय फ्रेंड इज इन ए ग्रेट ट्रबल, तो ए नहीं रहेगा, क्योंकि इन ग्रेट ट्रबल माने अत्यधिक कष्ट में, वो फ्रेज है उसके साथ ही नहीं लगेगा, ये हटा दीजिए। पंद्रहवां वाक्य है द गेम हैज कम टू एंड, तो कम टू एंड नहीं होगा, कम टू एन एंड होगा, क्योंकि कम टू एन एंड एक फ्रेज है, कम टू एन एंड माने होता है समाप्त होना या समाप्ति तक आना, क्लियर, मतलब खेल समाप्त हो गया है। द मोर, इसमें मोर मोर दो जगह है ना, मोर यू गेट मोर यू वांट, तो इसमें बताया था कंपेरेटिव डिग्री का एडवर्ब जब घटते बढ़ते क्रम में बताया जाता है, तो दोनों एडवर्ब से पहले दो क्लाज रहते हैं एक वाक्य में, तो दोनों क्लाज से पहले कंपेरेटिव डिग्री के पहले द लग जाता है, इसलिए आप पहले मोर के पहले द लगाइए, दूसरे मोर के पहले द लगाइए, इनका हिंदी अर्थ निकालोगे तो पहले द का अर्थ जितना दूसरे का अर्थ द का अर्थ होता उतना, तो द मोर यू गेट जितना अधिक तुम पाओगे या पाते हो, द मोर यू वांट उतना ज़्यादा तुम चाहते हो, कि भाई जितना धन आदमी को मिल जाता सोचता और हो जाए हमारे पास, ठीक। अगला है ही विल टेक आयन आवर हो जाएगा, इतना पता है आवर में ये साइलेंट है तो उच्चारण में आ रहा है तो इसलिए आयन लगेगा, आयन आवर टू फिनिश दिस वर्क। अगला देखिए हिज फादर इज ए एमपी, उसके पिता क्या है, एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के सदस्य यानी कि सांसद, ठीक है, एमएलए मीन्स विधायक, तो इसमें एमपी में जब पढ़ोगे तो उच्चारण तो ए आ रहा है, इसलिए ए नहीं, ए एम में ए आ रहा है तो इसलिए आयन लगेगा, हिज फादर इज आयन एमपी, ऐसे कहा जाएगा किसी का इंट्रोडक्शन के लिए, उसके पिता एमपी हैं, टीचर हैं, डॉक्टर कुछ भी है तो ए लगा दिया जाता है, ठीक, तो लेकिन एमपी हैं तो भाई स्वर आ रहा पढ़ने में, शॉर्ट फॉर्म एम एस एन, इनमें ए आ जाता है, ठीक, तो वहाँ आयन लगेगा। अगर ये फुल फॉर्म बना दे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना, तब ए लगेगा, तब ये सही हो जाएगा, क्योंकि माँ पढ़ा जाएगा तब फुल फॉर्म में, शॉर्ट में तो माँ पढ़ा नहीं जाएगा, पहला अक्षर ए पढ़ा जाएगा।
19वां है ही इज ए एन वन आइड मैन, वह अति वन आइड में देखिए क्या है, वन में वह आ रहा है ठीक है, तो इसलिए एन नहीं रहेगा ए रहेगा। वन आइड मैन मैंने होते काना, वह काना है। फ्रेंच डिफीटेड जर्मन, तो यहाँ क्या फ्रेंच मतलब फ्रांस के लोग जर्मन के लोगों को क्या किए, हरा दिए ठीक है। तो द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स ठीक है। अगला है गांधी जी वाज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम, तो इतना पता आपको सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, द लगता है, तो इसलिए ग्रेटेस्ट के पहले क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। अगला है इट इज ए बुक, इट इज ए बेस्ट बुक, सीधी सी बात है बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले इसलिए द लगेगा ना कि ए लगेगा ठीक। या तो भाई बेस्ट को गुड कर दे तब भी सही हो जाएगा, गुड के पहले ए लग सकता है लेकिन बेस्ट के पहले ए नहीं लगेगा द लगेगा, इसलिए आपको जो है क्या करना है सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का नियम जो पढ़े हो तो आप द लगा दीजिए सही हो जाएगा एकदम। अगला वाक्य है आपका द गोल्ड इज ए कास्टली मेटल, तो द हटा दीजिए क्योंकि आपको बताया गया था कि एबिस्ट्रैक नाउन नहीं मटेरियल नाउन, एबिस्ट्रैक दोनों को बताया गया था, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है सामान्य अर्थ में ठीक। तो यहाँ सोना एक कीमती धातु है, तो सामान्य ही बताया जा रहा है ना कि किसी अंगूठी का सोना ये सब बताया जा रहा है कि विशेष, तो सामान्य अर्थ में है तो द हटा दीजिए। और इस तरह का वाक्य किताब में दिया भी है गोल्ड इज ए प्रेसियस मेटल, उसमें था, तो प्रेसियस और कास्टली एक ही चीज़ है कीमती के अंग्रेजी। अगला है इंडस इज अ लॉन्ग रिवर इन द पंजाब, इंडस मतलब क्या होता है सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस कहते हैं ठीक है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन होता शब्द सिंधु घाटी सभ्यता की अंग्रेजी, तो इंडस माने सिंधु नदी है, ये नदी का नाम, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा द लगा दीजिए। इंडस इज ए लॉन्ग रिवर, वैसे भी देखिए कहा नहीं गया कि इंडस क्या है, एक लंबी नदी है, सिंधु नदी को इंडस कहते हैं, एक लंबी नदी है, तो इन द पंजाब, पंजाब के पहले तो द लगता ही वो सही है, केवल इंडस के पहले आप द लगा दीजिए। अगला है मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ द लगा दीजिए द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि मैनचेस्टर नाउन है फिर ऑफ है फिर नाउन है ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में द लग जाता है ठीक है, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया किताब में आया था ठीक। तो भाई भारत का मैनचेस्टर मुंबई को कहा गया है, मैनचेस्टर मतलब वो मतलब कि अच्छा स्थान है, तो भारत ठीक है, भारत में भी मुंबई जो अच्छा स्थान है, जैसे इंग्लैंड में है तो मुंबई का भी है ठीक है। अगला है ही इज ए ऑनरेबल मैन, ए नहीं रहेगा एन रहेगा, क्योंकि ऑनरेबल में जब साइलेंट है तो हम पढ़ना शुरू करते हैं स्वर से, इसलिए एन लग जाएगा। अगला 27वां वाक्य है यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो सीधी सी बात है यूएसए के पहले क्या लग जाएगा द लग जाएगा, द यूएसए इज द रिचेस्ट, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका भाई क्षेत्र को बताता है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के, तो इसलिए उसके पहले द लगता है ठीक। गंगा इज ए माइटी रिवर, सीधी सी बात है गंगा नदी का नाम है, तो इसके पहले क्या लगा देंगे द लगा देंगे। रिच प्रॉस्पर एंड पुअर सफर, तो इसमें दोनों रिच और पुअर के पहले क्या लगा देंगे हम द लगा देंगे, क्योंकि ये पूरे वर्ग को बताते हैं ठीक है, कि अमीर लोग क्या प्रॉस्पर माने फलते फूलते हैं समृद्ध होते हैं, द पुअर सफर और गरीब लोग कष्ट सहते हैं। ही इज द मेंबर ऑफ ए यूनियन आयन यूनियन, आयन नहीं रहेगा ए रहेगा, क्योंकि यूनियन में या आ रहा पढ़ने में ठीक। मिस्टर तिवारी इज ए एम एल ए नहीं रहेगा एन एम एल ए, क्योंकि एम में वही आ रहा है एम पी की तरह ठीक है, ए साउंड आ रहा है, एम एल ए माने विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के सदस्य। ही इज मेकिंग नॉइज नहीं रहेगा मेकिंग ए नॉइज, वैसे भी मेक ए नॉइज माने शोर मचाना ठीक है, तो मेकिंग ए नॉइज, इसमें नॉइज नाउन है तो नाउन से पहले ए लग जाएगा। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें द हटा देंगे, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहावत कही जाती है वो सामान्य अर्थ में है ना, अगर आप लगा के तो निश्चित विशेष किया नहीं गया कि द ऑनेस्टी ऑफ राम, ऐसे तो कहा नहीं जाएगा, तो इसलिए आप इसके पहले हटा दीजिए। तो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 1, इसके बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 2 बताया जाएगा।